इस लेक्चर में प्रतिशतांक मान के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। प्रतिशतांक को परसेंटाइल स्कोर्स भी कहते हैं। प्रतिशतांक वह मापन बिंदु है जिसके नीचे दिए गए प्राप्तांकों के प्रतिशत होते हैं। प्रतिशतांक को समझाते हुए गिलफर्ट ने लिखा है, प्रतिशतांक दिए हुए प्राप्तांकों के पैमाने पर वह मूल्य होता है जिसके नीचे किसी भी प्रतिशत में केसेस दिए हुए होते हैं। इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, असेंटाइल और परसेंटाइल पॉइंट इज अ वैल्यू ऑन द स्कोरिंग स्केल बिलो विच आर एनी गिवन परसेंटेज ऑफ द केसेस। इन बिंदुओं को P10, P20, P25, P30, P40, P50, P90, जितने भी पॉसिबल हों, P60, P70, P80 आदि में व्यक्त किया जाता है। P10 का अर्थ है कि उस बिंदु के नीचे 10 प्रतिशतांक और ऊपर 90% प्राप्तांक हैं। P20 का तात्पर्य है कि उस बिंदु के नीचे 20% प्राप्तांक और शेष 80% प्राप्तांक ऊपर स्थित हैं। P25 का अर्थ है कि उसके बिंदु के नीचे 25% प्राप्तांक और ऊपर 75% प्राप्तांक हैं। इसी प्रकार अगर हम P50 निकालते हैं तो P50 का तात्पर्य है कि उसके नीचे, उस बिंदु के नीचे 50% और उसके ऊपर 50% प्राप्तांक पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रतिशतांक वे प्राप्तांक हैं जिसके नीचे प्राप्तांकों का एक दिया गया प्रतिशत स्थित होता है। इसे संकेत पीपी या कहीं पर इसको पी स्मॉल एन से भी प्रदर्शित किया जाता है। कुछ प्रतिशतांकों को अन्य संकेतों के माध्यम से भी लिखा जाता है, जैसे P10 को D1 डेसाइल 1 कहेंगे, P20 को D2, P25 को क्वार्टाइल 1, P30 को D3, P40 को D4, P50 को D5 भी कहते हैं, या इसको क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं या मीडियन भी बोलते हैं, P60 को D6, P70 को D7, P75 को थर्ड क्वार्टाइल, P100 को D8, P90 को D9, P100 को D10, या इसको क्वार्टाइल 4 भी कह सकते हैं। अब प्रतिशतांक का महत्व देखते हैं कि प्रतिशतांक का क्या महत्व है। इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेंटाइल। शिक्षा और मनोविज्ञान में प्रतिशतांक का विशेष महत्व है, क्योंकि केवल मूल प्राप्तांकों के आधार पर किसी भी बालक की किसी योग्यता या गुण के संबंध में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसके लिए बालक की सापेक्षिक स्थिति को उस समूह में जानना आवश्यक होता है, तभी हम उस बालक की सही योग्यता का पता लगा पाएंगे और इस कार्य में प्रतिशतांक बहुत सहायता करता है। संक्षेप में प्रतिशतांक के कुछ महत्व इस प्रकार हैं। पहला, प्रतिशतांक किसी भी समूह विशेष में व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति का मापक है, अतः इस आधार पर समूह के विभिन्न व्यक्तियों की एवं विभिन्न समूहों की तुलना की जा सकती है। प्रतिशतांक का प्रयोग विभिन्न परीक्षणों में प्रतिशतांक मानक निर्धारित करने में किया जाता है। प्रतिशतांक का प्रयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में भी किया जाता है, जैसे मध्यांक 50वां प्रतिशतांक है। इसी प्रकार चतुर्थांश विचलन में भी इसका प्रयोग होता है,
जैसे Q1 बराबर 25% Q3 बराबर 75% होता है। चौथा महत्व यह है, बालक में निहित विभिन्न योग्यताओं की रूपरेखा प्रोफाइल तैयार करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिशतांक को संकेत PN या PP से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिशतांक मान ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। पहला, अव्यवस्थित अंक सामग्री का प्रतिशतांक, परसेंटाइल स्कोर्स फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। दूसरा है व्यवस्थित अंक सामग्री का प्रतिशतांक, परसेंटाइल स्कोर्स फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा। पहला लेते हैं, यहां पर अव्यवस्थित अंक सामग्री का प्रतिशतांक, परसेंटाइल स्कोर्स फ्रॉम ग्रुप डेटा। अव्यवस्थित अंक सामग्री से प्रतिशतांक की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है, पीपी और PN इज इक्वल टू स्मॉल n विद इन ब्रैकेट कैपिटल n प्लस 1 बाई 100 स्कोर। यहाँ पर संकेतों का मतलब देख लेते हैं। PN और PP का मतलब है वह प्रतिशतांक जिसकी गणना करना है। स्मॉल n बराबर क्या है? ज्ञातव्य प्रतिशतांक की संख्या। कैपिटल N का मतलब क्या है? प्राप्तांकों की संख्या। इस प्रकार P10 अगर हमको निकालना है तो N स्मॉल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 ब्रैकेट में N प्लस 1 बाई 100 स्कोर। P20 हो जाएगा 20 इंटू N प्लस 1 बाई 100 स्कोर। P25 को हम लिख सकते हैं 25 N प्लस 1 बाई 100 स्कोर। और P80 को लिख सकते हैं 80 विद इन ब्रैकेट N प्लस 1 बाई 100 स्कोर। ये इसके फॉर्मूले हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित अव्यवस्थित प्राप्तांकों में P30 एवं P80 की गणना कीजिए। ये प्राप्तांक हैं, 20 प्राप्तांक दिए हैं, 12, 15, 18, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 42, 44, 47, 49, 53, 55, 58, 60। ये 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। माना P30 की गणना हमको करनी है तो N बराबर क्या हो जाएगा? 30। और कैपिटल N कितने हैं? क्योंकि प्राप्तांकों की कुल संख्या, कुल कितने लोग हैं? 20 हैं, तो कैपिटल N 20 रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल N हर बार, चाहे हम P10 निकालें, चाहे P15 निकालें, जितना भी निकालेंगे N की वैल्यू 20 ही रहेगी। अतः निम्न मानों को सूत्र में रख देंगे तो P30 इज इक्वल टू 30 विद इन ब्रैकेट 20 प्लस 1 बाई 100 स्कोर आ जाएगा। 30 इंटू 21 बाई 100 इज इक्वल टू 630 बाई 100। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6.3 स्कोर आ जाएगा। 6.3 स्कोर जो होगा वो छठा और सातवां जो होगा, प्राप्तांक छठा और सातवें में के बीच में होगा। तो उपरोक्त प्राप्तांक में सिक्स्थ स्कोर का मान जो है वो 26 है। तो ये हो जाएगा 26 प्लस 0.3। और ये किसके बीच में आएगा? 29 और 26 के बीच में आएगा, क्योंकि सेवन्थ स्कोर और 26 के बीच में ही आएगा। तो अभीष्ट P30 कितना हो जाएगा? 26.3 हो जाएगा। 6.3 स्कोर का तात्पर्य है छठवें एवं सातवें प्राप्तांकों के मध्य में कोई मान आएगा। अतः अभीष्ट P30 परसेंटाइल 30 का मान 26.3 होगा। इसी प्रकार से P80 की गणना करने के लिए क्या करेंगे? स्मॉल n की वैल्यू 80 हो गई और कैपिटल N अब की से भी 20 रहेगा। इन दोनों मानों को सूत्र में रख दें तो PN बराबर NN प्लस 1 बाई 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 80 20 प्लस 1 बाई 100। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 80 इंटू 21 बाई 100, 80 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 1680 को अगर 100 से डिवाइड करें तो ये 16.8 स्कोर आ जाएगा। इसका मतलब 16.8वां मान। अब 16.8वां मान, इसका मतलब 6th स्कोर और 17th स्कोर के बीच में वैल्यू आएगी। तो उपरोक्त प्राप्तांक में 16वां पद का मान देख लो, यहाँ पे 16वां पद है 49, यहाँ तक था 10,
11 पद, 12, 13, 14, 15, 16 पद है 49 और 17 पद है 53। तो इसकी वैल्यू जो होगी 53 और 49 के बीच में होगी। तो इसको लिख सकते हैं 49 प्लस 0.8, तो 49.8 आ जाएगा ये आंसर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पी 80 परसेंटाइल 80। द वैल्यू ऑफ पी 80 इज इक्वल टू 49.8। इसे 80% का मान भी कहा जाता है, 80% का मान भी कहा जाता है, जिसका मान कितना है 49.8। सो दिस इज ऑल अबाउट परसेंटाइल एंड आई हैव कैलकुलेटेड हेयर परसेंटाइल फॉर अनग्रुप्ड डेटा। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कैलकुलेट इट थ्रू ग्रुप डेटा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।